तो क्षमा प्रार्थना कर लो अगर लगता है किसी के प्रति कोई भी वैर विरोध की गांठ बन चुकी है। बर्तन साथ रहते हैं भाई, चार बर्तन साथ रहते हैं, खटका पटका हो जाता है, खटका पटका हो जाता है, तो जो अगर हो गया है ठीक है, गलती किससे नहीं होती, जरा सोचो गलती किससे नहीं होती, क्या मुझसे नहीं होती, आपसे नहीं होती, पापा से नहीं होती, पड़ोसी से नहीं होती, किससे गलती नहीं होती। गलती होना मानवीय स्वभाव है, गलती होना मानवीय स्वभाव है, मुझसे भी गलती हो सकती है और आपसे भी गलती हो सकती है ना। जैसे अभी देखो दादाजी कर रहे हैं ना, वो अपन सब लोगों से तो माफी मांग रहे हैं, अपन लोग भी एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। अरे असली माफी लोगों से नहीं मांगनी होती है, असली माफी घरवालों से जाकर के मांगनी होती है, और घरवालों के पास जाकर, बहू के पास, बेटी के पास, बहू के पास, उनसे जाकर के। आज का जो पर्व है, लोग कहते हैं कि 84 लाख जीवयोनियों से क्षमा प्रार्थना की जाती है, मैं बता देना चाहता हूं ये 84 लाख जीवयोनियों से अपने कोई वैर विरोध थोड़ी है, मांग लो तो भी ठीक है और ना मांगो तो भी ठीक है। ये क्षमा का पर्व असली घर वालों से, जिनसे अनबन हो गई है उनसे खमत खामणा करने का ये दिन है। खमत खामणा, क्षमत क्षमापना, क्षमा करो और क्षमा मांगो। वैर विरोध की गांठ अपने दिल में अपने मन में मत पालो, क्योंकि इंसान के जन्म मरण में अगर कोई भी चीज निमित्त बनती है तो राग द्वेष निमित्त बनते हैं। पति को रखो तो ठीक, पत्नी को रखो तो ठीक, पति और पत्नी उतने बड़े बंधन नहीं बनते जितने कि वैर विरोध की गांठें इंसान के जन्म जन्मांतर भाव भवांतर में निमित्त बना करती है। मैंने आज तक ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि कोई पति पत्नी अपनी वजह से उन्होंने 10 जन्म और पाए हों, पर ऐसे 100-100 किस्से धर्म शास्त्रों में पढ़े हैं कि जिसमें अमुक व्यक्ति ने अमुक के प्रति वैर विरोध पाला और उसके 7 जन्म और हुए, 27 जन्म और हुए कि 50 जन्म और हुए। पति पत्नी आराम से प्रेम से रहो ना, बच्चे हैं आराम से उनसे प्रेम करो, माँ बाप है खूब सेवा करो, पर किसी के प्रति भी वैर विरोध की गांठ अपने दिल में मत पालो, अपने दिल में मत पालो। पारसनाथ और कमठ का वैर, पारसनाथ और कमठ का वैर जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहा। 2 सौतेली बहुएं आपस में वैर विरोध, वो उसकी और उसकी, दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे, दोनों मरे, मर करके फिर वही, अगले जन्म में भी वही वैर वही विरोध, कभी मैं ताकतवर कभी अगला ताकतवर, और यूं खिंचाई चलती रहती है, जन्म जन्मांतर होते चलते रहते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं कभी कुछ बन जाते हैं, लेकिन दोनों जीव आपस में वैर विरोध करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं। एक जन्म ऐसा आता है जब एक महिला वही यक्षिणी बन जाती है, प्रेतात्मा बन जाती है, और दूसरी किसी घर की नारी बन जाती है, उसकी शादी होती है, बच्चा होता है, वो यक्षिणी वो प्रेतात्मा अपने पूर्व भाव के वैर को याद करती है और उस महिला के बच्चे को खा जाती है, दूसरा बच्चा पैदा होता है फिर खा जाती है, तीसरा बच्चा पैदा होता है फिर खा जाती है, चौथा बच्चा पैदा होता है वो प्रेतात्मा उसे भी खा जाती है। महिला 5वें बच्चे के जन्म पर अपने पीहर चली जाती है और पीहर में प्रसूति करवा करके जब लौट कर आती है फिर वही प्रेतात्मा उसके पीछे लगती है, लेकिन वो महिला वहां से दौड़ती है अपने बच्चे को लेकर और श्री भगवान के सानिध्य में पहुंचती है और वहां जाकर अपने बच्चे को रखते हुए कहती है, प्रभु मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए, मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए, वरना ये जन्म जन्मांतर की वैर वैरणी ये प्रेतात्मा मेरे बच्चे को खा जाएगी। भगवान उस बच्चे को अपने हाथों में उठाते हैं, अपने पास अपनी गोद में रखते हैं और उस यक्षिणी को, उस प्रेतात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जीव न ही वैरेण वैराणी संबंति द कुदाचना अवैरेण च संबंति इस धम्मो सनंतनो। हे यक्षिणी, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम और क्षमा के चलते ही तुम इस वैर को मिटा सकती हो, तुम इस वैर को मिटा सकती हो। अगर तुम इसी तरह से वैर विरोध करती रही तो जन्म जन्मांतर और भटकते चले जाएंगे, पर अगर आज तुम इस जन्म में अपनी इस सौतन महिला को अगर माफ कर दोगी तो तुम इसी जन्म में ही अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगी, इसी जन्म में अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगी। हम भी
जिनके प्रति भी वैर विरोध आ चुका है, अगर आप हकीकत में उसे माफ कर देते हैं तो धर्म की अनुमति लेते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आप भी इस जन्म में मुक्त हो सकते हैं। पर अगर हमने अपने दिल में और मन में इसी तरह की वैर विरोध की गांठें बांधते रहे तो दुनिया भर का चाहे जितना धर्म कर लो पर धर्म में वो ताकत नहीं होगी जो आपको मुक्त कर सके। मुक्त आप तभी होंगे जब आप एक दूसरे को माफ करने का बड़प्पन दिखा देंगे। एक दूसरे को माफ करने का बड़प्पन दिखा देंगे तो ही आप मुक्त हो पाएंगे, तभी आप प्रभु को प्रिय हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकते मेरे प्रभु जी। लड़ना पड़ता है अपने आप से, जीतना पड़ता है अपने आप को। संवत्सरी पर्व पर कि जब हम सब लोग मिलकर के अपने संवत्सरी पर्व की वार्षिक आलोचना संपन्न करेंगे तो हमें सबसे पहले अपने भीतर क्षमा भाव को ले आना चाहिए ताकि हम जिन जिन के प्रति भी वैर विरोध की गांठ बन चुकी है अपनी ओर से झुक सके, विनम्र हो सके, माफी मांग सके, माफ कर सके। सोचो, याद करो, क्या आपने कभी किसी नौकर को डांट लगाई है? सोचो, कभी किसी नौकर को डांट लगाई है? मन में संकल्प लो, अपने उस नौकर से जाकर आज माफी मांगूंगा। सोचो कि अगर हमने अपने किसी नौकर या नौकरानी को साल भर में कभी भी डांट लगाई है तो आज जाकर के उससे माफी मांगूंगा और उसको याद दिलाऊंगा कि मैंने अमुक दिन तुम्हें डांटा था, उसकी खमत खामना आज कर रहा। फॉर्मेलिटी के रूप में खमत खामना मत करो, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है कि हां भाई हाथ मिलाना ही पड़ेगा, दुआ सलाम करना ही पड़ेगा, राम राम करना ही पड़ेगा, जय जिनेंद्र कहना ही पड़ेगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। पर जिन जिन के प्रति, याद करो, नौकर नौकरानी, हां मैंने अमुक दिन डांट लगाई, अथवा हे भोपाराम मैंने तुम्हें अमुक दिन डांट लगाई तो आज मैं तुमसे अमुक दिन की खमत खामना कर रहा हूं। मैंने अमुक दिन अपनी पत्नी को गुस्से में आकर के चांटा लगा दिया था, याद करो उस दिन को और निर्णय करो आज मैं अपनी पत्नी से जाकर के खमत खामना करूंगा, क्षमत क्षमापना करूंगा उस दिन के लिए कि जिस दिन मैंने चांटा लगाया था। उस दिन तो गुस्से का दिन था, आज का दिन प्रायश्चित का दिन होगा, आज का दिन प्रायश्चित का दिन होगा। प्रायश्चित करने से ही आदमी की आत्मा धुलती है, प्रायश्चित करने से ही आदमी की आत्मा निर्मल होती है। मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे। मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे। मुक्ति के प्रेमी हमने सरसों का दाना जिनके बिस्तर में भी चुभता था, सरसों का दाना जिनके बिस्तर में भी चुभता था। बड़ा अद्भुत गीत है ये, और अद्भुत इसलिए है कि जिस व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर चलना है उसे किस तरह के संघर्ष करने होंगे, कैसे जीतना होगा। कि कोई राजकुमार, कि जिस राजकुमार को सोने के लिए मखमल के गलीचे हुआ करते थे और उस गलीचे पर अगर एक भी सरसों का दाना आ जाता तो भी गड़ने लग जाया करता था कि अरे कमर के नीचे कोई दाना कोई कंकर चुभ रहा है, सरसों का दाना भी जिसे पत्थर का कंकर लगा करता था। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने कर्मों से लड़ने के लिए निकल पड़ा,
अपने आप पर आत्मविजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा तो वे अब कंकर उसे कंकर नहीं लगते, वे हर कंकर उसके लिए शंकर का काम कर रहे हैं। सरसों का दाना जिनके बिस्तर में भी चुभता था, सरसों का दाना जिनके बिस्तर में भी चुभता था, काया की सुध नाही ईदड़ तन खाते देखे, मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे, मुक्ति के प्रेमी हमने। सेठ सुदर्शन प्यारा रानी ने फंदा डाला, सेठ सुदर्शन प्यारा रानी ने फंदा डाला, शीले को नाही छोड़ा, शोली पर चढ़ते देखे। याद आ रही है ना कहानी, सेठ सुदर्शन की कहानी, कि रानी ने फंदा डाल दिया था सेठ सुदर्शन के गले में, लेकिन सेठ सुदर्शन इतना पक्का रहा कि उसने शील का त्याग नहीं किया, सूली पर चढ़ना स्वीकार कर लिया। ये वही सेठ सुदर्शन की कहानी है कि जिस सुदर्शन को चढ़ाया जाता है सूली पर वो शूली शूली नहीं रहती, शील के प्रभाव से वही सोने का सिंहासन बन जाया करती है। सेठ सुदर्शन प्यारा रानी ने फंदा डाला, शीले को नाही छोड़ा, शूली पर चढ़ते देखे, मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे, मुक्ति के प्रेमी हमने। अयोध्या नगर सजा था, राज्याभिषेक रचा था, अयोध्या नगर सजा था, राज्याभिषेक रचा था, ऐसे समय श्री राम जंगल में जाते देखे, ऐसे समय श्री राम जंगल में जाते देखे, मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे।